दिमाग ठीक से ना तेरा, मना भी किया था। क्या करके आगा तू? खर्चा पानी भी तो पूरा करना है ना जग्गू। बक बक बंद कर, खर्चा पानी तब पूरा करेगा। पहलवान यार, इसकी बात का गुस्सा मत कर, इसका मकसद था। चुप, बड़ा आया सुसरा मकसद, जानता हूं मैं तेरा मकसद, बच्चा नहीं। और एक बात याद रख लो ना तुम दोनों, जिस दिन मैंने हाथ उठा लिया ना तेरे ऊपर से, एक मिनट में सुसरा दोनों मारे जाओगे। क्या हुआ जगू? मामला मुझे कुछ खराब लग। मुझे जी बड़े सलीम, आप आगे बढ़े, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप जाए साहब, एक बात समझ में नहीं आती, हमारी तरफ से कभी आपकी कोई डिमांड रुकी नहीं, फिर इनकार की वजह क्या है? जमाल साहब, पैसे आपकी मर्जी के, काम हमारी मर्जी का, यही असूल तय पाया था ना हमारे दरमियान। देखिए ख्वाजा साहब, आप तो पुराने पापी हैं इस फील्ड के, इनको तो अभी सिर्फ 10-12 साल हुए हैं, आप ही बताइए क्या ऐसे हालात थे पहले कभी? जमाल साहब, बात आपकी ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि नाम बनाए काम, ये तो है। तो ठीक है, फिर आप खुद ही करवा लें, अगर मसला पैसों का है तो आपको कमी तो नहीं है, और अगर मजीद ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। जमाल साहब प्लीज़, कैसे भी हो ये असाइनमेंट रुकनी नहीं चाहिए, सारी ज़िंदगी की रोटियाँ हैं इसमें। यही तो बात है खालिद साहब, अगर आप सही सूरत हाल नहीं बताएंगे तो हालात तो मज़ीद ख़राब होंगे ना। अब आपने कहा कि 120 कार्टन है, जबकि मैं जब वहाँ जाकर देखता हूँ तो 272 कार्टन निकलते हैं। कस्टम्स वालों को आप बेवकूफ समझते हैं? आजा, डंडी मारने से बाज आजा, तो हम सबको मरवाएगा। और जाने दें सर जी, बच्चा था जालत कर गया, मैं हॉस्पिटल में पड़ा था, बीमार था, एक वैन कंप्लीट तौर पे बंद थी, स्टैंड डलवा रहा था, और क्या पता था बाद में क्या हो। जमाल साहब, छोड़ें इस बात को, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालें इस पर, अगली बात करें। चलिए ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, आफ्टर ऑल हम भाई हैं आपके, लेकिन
25-1 लाख रुपए आपको अकाउंट में डलवाना पड़ेगा। 25 लाख? बस जाने दे, समझा कर। देखिए 1 करोड़ रुपए का काम था ये, जो मैं 25 लाख रुपए में करवा रहा हूँ। छोड़ो जी, छोड़ो जमाल साहब, सुबह आपके गैर मुल्की अकाउंट में रकम जमा हो जाएगी। ओके ठीक, लेकिन आइंदा प्लीज ख्याल रखिएगा, गलत बयानी से काम मत लीजिएगा। बाजवा साहब, सिर्फ चाय पे रखेंगे या आगे भी कुछ काम है? सब्र किया कर, सब कुछ है। अभी 1 हफ्ता हुआ स्टंट डलवाते आया, मरेगा। बाजवा साहब, हम दिल भी नया लगवा लेंगे, बस मौज मेला चलना चाहिए। दिल का कहा मान के बेखतर है खड़ा, अमन का पासवान। बिलाल खान, हम टैलेंट की कदर करते हैं। अपने चैनल के लिए इस मुल्क के बेहतरीन दिमाग इकट्ठा करना हमारा मिशन है। हमारे लिए पैसा नहीं, टैलेंट मैटर करता है। भली साहब, अपने मुतल्लिक यही कहूँगा कि जो भी डिसीजन आप लेंगे उसे आप रिग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक हमारी डील फाइनलाइज नहीं हो जाती, इट शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरा ख्याल था कि हम इस बात को दोहराएंगे नहीं। थैंक यू, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज। यार फुर्तीले, और क्या हाल है तेरा? आज तो बड़ी मौज में बैठा हुआ लगता है। पहलवान जमील आ गया जी। पहलवान जी, और क्या हाल है तेरा कालू पहलवान? और ठीक तो हो रहा यार? और बहू जमील, 2-3 दिन से कहाँ गायब हो? मैं यार इस लाने से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबू जमील, किस चक्कर में पड़ गए हो? छुट्टी नहीं, ये काफिर मुंह को लगी हुई। माँ बाप बीवी बच्चे सब साथ छोड़ देते हैं, ये साथ नहीं छोड़ती, कब्र तक साथ देती है। कब्र की साथी है ये, कब्र की। यार कालू पहलवान, तू तो मेरा यार है ना यार, हाँ? यार यार एक गुड़ी दे दे यार। ओए, पिछले 500 और अब के पैसे निकाल, चल। पैसे लेके आया हूँ यार, ये चले, पूरे पैसे निकाल यार। मैं तेरी एक एक पाई दे दूंगा यार। यार ओ ये तो रख ले पहलवान, अपना तो असूल है, कारोबारी लोग हैं हम, नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। यार यार पहलवान, मेरा बदन टूट रहा है यार। देख, तुझको खुदा का वास्ता यार, मुझे एक बुढ़ी दे दे यार। बहू जमील, तुझे क्या जरूरत है मिलत समाजत करने की? और तेरे पास नोटों की बोरी है, नोटों की बोरी।
पहलवान को नोटों की बोरी पेश कर और सारी जिंदगी नशा फ्री। तेरी जो फुर्तीला क्या कह रहा तू मुझको? और मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल निकाल इसे बाहर, चल और बाहर निकल, और निकल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकल, बाहर। अब पुलिस के हवाले करो ऐसे। बाहर निकल। करता हूं मैं इसका दिमाग ठीक। बात है जमाल साहब, यूं अचानक आपने आज हमें याद किया? अलविना जी, मैं ये सोच रहा था कि दोस्तों में तकल्लुफात नहीं होने चाहिए। मैं एक्चुअली परसों से आपके प्लान के ऊपर काम कर रहा हूँ। रियली? और इंशाल्लाह ताला हम आज से अपना काम शुरू करेंगे और फिर आप देखिएगा कि दिनों में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। थैंक यू जमाल साहब। दोस्तों में शुक्रिया नहीं अदा किया जाता, और हम तो वैसे भी आपके ताबेदार हैं। आपकी एनजीओ है और वो रजिस्टर्ड है गालिबन, सो आपको बहुत सारे प्रिविलेज भी हासिल है। सो मैं ये चाह रहा था, तो नो प्रॉब्लम जमाल साहब, समझे कि आपका काम हो गया। गुड, दैट्स द स्पिरिट विच इज रिक्वायर्ड जी। और इंशाल्लाह आप देखिएगा आप आगे जाएंगी और बहुत आगे जाएंगे, और कामयाबी आपके कदमों तले बिछती चली जाएगी। थैंक यू। आपको एक काम करना है, मेरा एक आदमी आपको रियाज साहब के पास ले जाएगा, आप उनसे जाके मिलिएगा और जाने से पहले मेरी गाड़ी से उनके लिए तोहफा ले जाइएगा, और फिर रियाज साहब को आप अपनी तरफ इन्वाइट भी कीजिएगा। अब तो बुलाना ही पड़ेगा जमाल साहब। देखिए, हमारे बिजनेस का पहला असूल ये है कि नया दोस्त और पुराना दुश्मन, इन दोनों की कमजोरियों पे नज़र रखनी चाहिए। एक मर्तबा ताल्लुकात हमारे रियाज साहब के साथ बन जाते हैं तो फिर हमारा आगे का सारा काम आसान हो जाता है। Really? Of course. क्या करें, बात सच्चाइयां जानते हुए भी हम उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं तो अपने मुख्तसर से तजुर्बे की बुनियाद पर कह रही हूँ कि हम नंबर बनाने की दौड़ में इखलाक की हद भी उबूर कर जाते हैं। क्या करें, लोग सेंसेशनल चीज़ें मांगते हैं, सनसनीखेजी के बगैर हम उन तक सच भी नहीं पहुंचा सकते। नहीं सर, सच्चाई की अपनी ताकत होती है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं। सर आप जानते हैं, जिस हवलदार की मैं बात कर रही हूँ वो बेचारा बुखार की हालत में 11 घंटे से ड्यूटी दे रहा था, भूख और बुखार की हालत में चकरा कर गिरा तो उसे उठाकर अस्पताल ले गए। वेरी सैड, वेरी सैड। ये बेचारे अपने प्यारों के गम या खुशी में शिरकत नहीं कर सकते, तरस आता है इन पर। आबिद साहब, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है।
मैं चलूं सर? हाँ ठीक है। जी बिलाल सर। ये क्या है? एमडी साहब ने मुझे पिछले महीने कहा था कि मुझे पेमेंट नई टर्म्स पे होगी, आपने फिर वही चेक भिजवा दिया। बिलाल साहब आप तो प्रोफेशनल बंदे हैं और आप तो जानते हैं कि नया स्पेल शुरू होने से पहले पेमेंट रिव्यू नहीं हो सकती। जैसे ही नया स्पेल शुरू होगा आपको नई पेमेंट मिलेगी, वरना ऑडिट ऑब्जेक्शन आ जाएगा। यानी मैं एक माह और इंतजार करूं? आपको पता है कि लोग लाइन बना के मेरे घर के बाहर खड़े हैं कैश लेके कि मैं उनके साथ काम करूं, और आप मुझे ये ऑडिट चॉडिट इस तरह के किस्से सुना रहे हैं? बिलाल साहब ये मामला मेरे कंट्रोल से बाहर है। अभी साहब आपको पता है कि आपके चैनल का नंबर वन प्रोग्राम मेरा है, जितना बिजनेस आपको मेरी वजह से मिल रहा है ना और किसी प्रोग्राम से नहीं मिल रहा। आपकी क्राइम बीट मेरी वजह से चल रही है, देखता हूँ मेरे बाद ये प्रोग्राम कैसे चलाते हैं। बिलाल साहब आप गुस्सा ना करें, मैं बात करूंगा ना। गुस्सा ना करूं तो फिर आपकी शक्ल देखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप बार बार मुझे फोन करके तंग करने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा पेमेंट ले लें और शो कर लें। आस्क योर एमडी टू कम एंड सी मी, ओके? अरे मूसा, हाँ हाँ आओ बैठो। थैंक यू सर। ठीक है आप ये लेटर्स टाइप करवा के तो मेरे पास ले आइए सर। एक्सलेंट, मार्वेलस। मूसा मैं भी तुम्हारी फाइल ही पढ़ रहा था। वेरी वेल डन। जानते हो तमाम ऑफिसर्स तुम्हारी कारकर्दगी से बहुत खुश हैं, एंड दैट शुड बी द स्पिरिट, कीप इट अप। थैंक यू सर। इंशाल्लाह मैं इनकी तवक्कोआत पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। मूसा मैं तुम्हारे वालिद साहब को पर्सनली तौर पर जानता हूँ, बहुत ही अच्छे इंसान। जब वो हवालदार थे तो मेरे साथ ही ड्यूटी किया करते थे, और तुम्हें उनका बेटा होने पर फख्र होना चाहिए। ऑफ कोर्स सर। देखो मूसा, पुलिस फोर्स में आने वाले यंग ऑफिसर्स का एक ही आइडिया है कि वो अपने दिमाग में एक आइडियलिज्म लेकर आते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल लाइफ में हालात उसके बिल्कुल ही बरक्स होते हैं। मुझे इस बात का पहले से अंदाजा सर। और इस सर्विस में एक अच्छा ऑफिसर वही है जो कि चारों तरफ से आने वाले प्रेशर्स को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता है। यस सर। हाँ याद आया, वो एसपी ज़िया भी तो तुम्हारे साथ इसी डिवीजन में अपॉइंट हुए सर। वो घर से वापसी पे ज्वाइनिंग देगा। एनीवे मूसा, बस तुमसे ये कहना था कि अपने काम से और मोहब्बत करो और डिटर्मिनेशन अपने अंदर लेकर आओ। एक अच्छा ऑफिसर वही है जो हर हाल में ध्यानों तक खिदमत के जज्बे को बरकरार रखे और अपने सबऑर्डिनेट्स और अपने माध्यमों के लिए एक मिसाल बन। I will do my best, sir. Wish you best of luck, sir. Thank you, sir. बातें वसूल कर रहे हैं आप? पुत्र लग गया अफसर। ओ गुड़िया चुको। ओ जी रहा रहा ये पांडे शांडे। जी रहा ना साहब। ध्यान से रखना सारे जाके किचन में। माँ जी खुदा के लिए बस करते हैं, अब्बा जी तो लगता है मुझे पुलिस ज्वाइन करने से पहले करप्शन का इल्जाम लगवा देंगे मेरे ऊपर। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? भाईजान आप इतने बड़े अफसर लगे, हम लोग खुशियां में ना मनाए? मनाए सब खुशियां मनाए, लेकिन इस तरह से पूरे शहर को तो ना इकट्ठा करें ना भाई। हमने तो बहुत बड़े होटल में बहुत बड़ी पार्टी का बंदोबस्त किया। होटल में? पर तूने तो कहा था उधर वो जिधर वकील इकट्ठे होते हैं, क्या कहते हैं जगह? मामा जी बार। देखिए अब्बा जी, मीडिया वाले बहुत ज्यादा होशियार हो गए, हर वक्त अपने नंबर बनाने के लिए और अपनी अहमियत जिताने के लिए हर वक्त किसी ना किसी ताक में रहते हैं, और वैसे भी मैं पहले वाला जियाउला नहीं रहा। भाईजान आप कुछ भी बन जाए हमारे लिए तो वही है ना। तुम भी तो ऐसी बातें करती हो। चल बेटा परेशान ना हो, दफ्तर के सारे मामला तुम्हारे सामने हैं, अगर ये काम इसी तरह चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे।
सर डोंट वरी सर, सारे मामलात पे हमारी नज़र है, इंशाल्लाह आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड, जहाँ तक का हमें अलवीना कहते हैं। वेलकम वेलकम। मैं इलियास ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हें फिर बुलवाता हूँ। तशरीफ रखिए, बैठिए। शुक्रिया जी। फरमाइए, आप चाय लेंगी या ठंडा? अरे आपको तकलीफ होगी, रहने दीजिए। इतना काम करती हैं आप खवातीन के लिए, और फिर गर्मी भी तो देखिए, इसी बहाने मैं भी आपके साथ कोल्ड ड्रिंक ले लूँगा। चलें, जैसे आपकी खुशी। हाँ, कोल्ड ड्रिंक भिजवा दीजिए। जी फरमाइए। फाइल तो आपने मंगवा ही ली होगी। हाँ लीना जी, वो फाइल तो मैंने देखी है, लेकिन इंसान एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। एनजीओ चलाना खुद एक इतना बड़ा काम है, यकीन जानिए वक्त ही नहीं मिलता किसी और काम के लिए। हमने बस एजेंट से कहा मशीन मंगवा दीजिए, और उसने मंगवा दी। अलवीना जी, बात यह है कि वो आपने डायरेक्ट नहीं मंगवाई ना? रियाज साहब, गरीब औरतों के लिए हम अस्पताल बना रहे हैं, इन सब चीज़ों का हमें इल्म नहीं था, ना ही एजेंट ने इस तरफ हमारा ध्यान दिलाया और ना ही हमारी तवज्जो गई इस तरफ। एक आप ही अब हमारी मदद कर सकते हैं। अलवीना जी, मामला जरा टेढ़ा है और ऊपर तक हम जानते हैं कि आप एक बहुत ऑनेस्ट और भले इंसान हैं, लेकिन हमारी तरफ से आप ये रख लीजिए। अरे ये, अरे रख लीजिए, हम जानते हैं आपकी कुछ मजबूरियां होंगी, और भी तो बहुत लोग हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। ये हमें दोस्त कहा है आपने, दोस्तों की मदद कर रहे हैं आप। और हाँ, रात का डिनर आप कल हमारी तरफ कर रहे हैं। अरे आप तो तकलीफ कर रही हैं। कैसी तकलीफ जी, ना तकलीफ है ना तकल्लुफ है, हमें तो हर वक्त अच्छे दोस्तों की तलाश रहती है। बस तो फिर ठीक है, मगर ये डिनर जो होगा ये आपकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से होगा। अरे एक ही बात है जी। फिर तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा ना? जैसे आपकी खुशी, तो हम चलते हैं फिर। अरे अरे बैठे ना, थोड़ी देर तो और बैठती हैं आप। बहुत काम करने हैं रियाज साहब, वैसे भी कल तो हम मिल ही रहे हैं। हाँ, मैं कल फाइल भी साथ ही लेता आऊँगा। याद से लाइएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आप ही कुछ करें। मुझे तो खुद बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। खैर फरीद को आ जाने दे, आज कोई ना कोई बात करती हूँ उससे। इस तरह रोज रोज पुलिस का घर में आना अच्छी बात नहीं। ओहो क्या हो गया, कुछ दे दे ला के उनका मुंह बंद कर दो। कैसी बातें कर रही हैं आप, मेरे पास तो घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से लाऊ मैं इतने पैसे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वालेकुम सलाम। ना ये तुम रात को घर क्यों नहीं आए? अम्मा वो रेड करनी थी, रात वहीं लग गई, और अभी मुर्दा खाने से आ रहा हूँ। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या बात है माँ? वो असल में आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। ओहो ओहो, सब्र कर लो, कर लूँगी मैं उससे बात। माँ एक मिनट, वो बेचारी परेशान है, उसको बात कर लेने दें। ओहो बेटा समझा करो, कहा है ना बाद में तुम्हें बताती हूँ। मैं समझता हूँ माँ जी, क्या मसला है ईमान जी? वो बात यह है कि देखो ईमान, जो जुर्म तुमने किया नहीं है तो किसी में इतनी जुरत नहीं है कि वो तुम्हें परेशान करे। मैं ऐसे जो हिसाब से बात करता हूँ, और मेरे होते हुए तुम्हें ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। समझ में नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। मैं सारी ज़िंदगी आपके एहसान मंद रहूँगी। कभी कोई मसला हो तो मुझे बताना। जी ज़रूर, मैं अब जाती हूँ। जाओ।
हद करते हो वैसे तुम भी। नशे इसका बाप करते हैं और भुगते हम। अम्मा तू किन चक्करों में पड़ गई है? हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। ओहो बेटा बेटा तू इतना हातमताई बनने की कोशिश ना कर। अगर एक दफा हमने इस लड़की की हेल्प कर दी ना तो ये सिलसिला ही टूट पहना है। अरे माँ सदके जाए ये हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ जी, ये तो होता ही रहता है। तू भी ना बस हर वक्त माँ की ना जान निकालता रहा कर। अपने पुत्र के लिए कुछ लाती है मेरे सदके। खिला दे कुछ बड़ी। आए माँ मेरी। हेलो हाँ अरे क्या खबर? अच्छा यार मरवा ना दियो भाई। ना 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 कोई ना मैं नहीं रुकता भाई इधर का। हाँ मत मारेगी मेरी ससुरा। हाँ तनियो कर यार दो दिन के अंदर अंदर मने यहां से निकाल। हाँ तारी बड़ी मेहरबानी होगी भाई। ओके ठीक होगा पक्का कर ले। हाँ सब ठीक है। हर मोटर गाड़ी चेक की जा रही है। राजर ससुरम नक्का कहां से आ गया? साहब जी लेकिन और कोई चारा नहीं था जी। वो ससुरा पुलिस वाले जगह जगह पे नक्का लगा के बैठे हैं। नहीं ठीक किया तुमने, ठीक किया जगो, अच्छा किया कि सीधा मेरे पास चले आए। आफ्टरऑल भाई हो तुम, मेरे यहाँ ना आते तो कहाँ जाते? लेकिन मैंने बंदोबस्त कर लिया है जी सारा। टिकट ले लिया, पासपोर्ट हमारे कने से, वीजा लगा हुआ है। बस आप एक मेहरबानी कर दो साहब जी, मैंने किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचा दे जी। हाँ क्यों नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल, बल्कि हमारी गाड़ी जाएगी तुम्हें छोड़ने के लिए वहाँ पे। और तुम फिक्र मत करो, किसी की जरूरत नहीं होगी कि तुम्हें रोके। वेरी गुड हो गया साहब जी। अख्तर तुमने खुद जाना है इसके साथ जी, बेहतर ठीक है। ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले जी। कितने बजे है जगह तुम्हारी फ्लाइट? छः बजे मुनासिब वक्त है, बहुत मुनासिब वक्त है 6 बजे का। मेरे ख्याल में जग्गू तुम्हें अब निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रुकना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन ये लो ये रखो, रख लो, सफ़र में काम आएंगे। जी आपके होते हो साहब जी, हमें कौन सी फिक्र है जी। अरे एक बात और, जग्गू को अंदर कमरे में ले जाओ, अंदर कुछ नए कपड़े पड़े हैं वो भी ये साथ रख लेगा सफ़र के लिए, और ब्रीफकेस भी पड़ा है और वो सब कुछ। साहब जी कैसी बातें कर रहे हैं जी, मैं इतना कमला भी नहीं सोची ईब में जग्गू बदमाश नहीं सो। ईब तो मैं अरसद हुसैन साई बिजनेसमैन, और भला बिजनेसमैन ने असले की क्या जरूरत हो जी। वेल डन, आफ्टर ऑल भाई हो तुम हमारे। एक बात साहब जी और याद आ गई। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। ये जी रजिस्ट्रीज है, ये किसी तरीके से हमारी माँ तक पहुँचा दी। पहुँच जाएगी वक्त से पहले, पहुंच जाएगी, आफ्टर ऑल भाई हो ना। जाओ 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 अख्तर, ले जाओ। शाबाश शाबाश, थैंक यू। रजिस्ट्री।
ना भाई, सेक्रेटरी साहब गाड़ी को रोक दियो रे। कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, वो ख्वाजा साहब आपको खुद लेने आ रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, यू तो अच्छा कर दिया भाई, ख्वाजा साहब तो, हाँ पूरे आ महंगे ख्वाजा साहब। सॉरी जगो, आई एम वेरी सॉरी। क्या करें, भाई हो तुम हमारे, मगर ये पुलिस वाले भी तो तंबख्त भाई हैं हमारे। इन्हें भी तो किसी बड़े इश्तिहारी मुजरिम की लाश चाहिए होती। जगो का नाम दहशत की अलामत बना हुआ था। गुज़िश्ता दिनों जो दो इश्तिहारी बोगी वाले में मारे गए थे, वो दरअसल उसके करीबी साथी थे। जगू के मुतालिक आपको हमारे इंस्पेक्टर जलाल बताएंगे। हमें बड़ी पक्की मुखबरी थी, इसलिए हमने मॉडल कॉलोनी के बाहर नाका लगा रखा था। हमें इत्तला थी कि मुलजम जगू हर बड़ी वारदात के बाद मुल्क से बाहर फरार हो जाता है, इसलिए हमने एयरपोर्ट पर भी नाका लगा रखा था। पुलिस हर वक्त मुस्तैद और आपकी हिफाजत के लिए तैयार रहती है। रात 2 बजे के करीब हमें एक मुश्तबा शख्स पैदल चलता हुआ दिखाई दिया। हमारे ललकारने पर उसने भागना शुरू कर दिया और इस रिवाल्वर से हम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। आपको पुलिस की इस दिलेराना कार्रवाई की दाद देनी चाहिए। उम्मीद है उसके बाकी साथी भी गिरफ्तारी जल्द पेश कर देंगे। आपका कहना है कि देखिए, ये सवाल जवाब की मजलिस नहीं, हमने एक ख़तरनाक इश्तिहारी को मारा है। कल सुबह DPO साहब इस सिलसिले में ब्रीफिंग दे रहे हैं, आप अपने सवालात वहाँ पे कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन सर वो थैंक यू। आपकी तहीवारी का शुक्रिया। बेखतर है खड़ा अमन का पासवान। पुलिस मुकाबला नहीं मनू, जहद जमाल। कितना समझाया था उसको। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं क्या करूँ। तुम्हारे वालिद साहब के साथ मेरी सारी उम्र इसी घर में गुजरी है बेटा। यहाँ की एक एक ईंट, एक एक जर्रे से मेरा कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है बेटा। अम्मा, ये रिश्ते घरों या दफ्तरों से नहीं होते। मैं जानता हूँ सब कुछ, एहसास है मुझे। अभी तो आपने वो पालना भी संभाल के रखा हुआ है जिसमें आप मुझे खिलाया करती थी। लेकिन अम्मा, आप जानती हैं ना अब्बू क्या चाहते थे। हाँ बेटा, काश वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख सकते। अम्मा, अब्बू की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकूं। हाँ बेटा, यही उनके लिए उनके बेटे का सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ। अम्मा, गाड़ी मंगवाई मैंने आपके लिए, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है। ठीक, ये बाकी सामान भी मैं मंगवा लूँ। ठीक है बेटा, चलें। चलें। मां जी के साथ हो।
जी नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से हमारे पुलिस के जवानों ने दो इश्तिहारी मुलजिमों को मार डाला और इन मुलजमान पर इनके सरों पर कीमत भी थी, इनाम भी था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है ख्वातीनों हजरात कि पुलिस का इस सारे ऑपरेशन में बाल तक बीका नहीं हुआ और पुलिस वालों का कहना है कि मुलजमान जो है बड़े खतर थे, इश्तिहारी थे, उनके पास असलाह भी था और फायरिंग का आगाज तक उन मुलजमान ने पहले किया था। बहरहाल ये सवाल बड़ा अहम है नाजरीन कि पुलिस वाला जो जवान था वो तो जो जख्मी हुआ वो बच गया, लेकिन बाकी दोनों खैर अब इस बारे में मैं मजीद क्या तबसरा करूं। तुम जो जो हकायक तुम कब आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस सर थोड़ी देर में आप इजाजत। मैं वो बिलाल का शो देख रहा था जो उसने दूसरे टीवी चैनल पे नया शुरू किया। इसमें कोई नई बात तो नहीं थी? वही इल्ज़ाम तराशियाँ, लाउड गुफ्तगु, खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश, मामूल की फिक्रेबाजी, दैट्स इट। शाबाश फैजान, मैं भी तुम्हें यही बात कहना चाहता था। पहले से ही ये तसव्वुर करके जाना कि पुलिस झूठी है, उसकी हर बात झूठी है, इंटेलेक्चुअल बददियानती की इंतहा है। सर आवाम का तासुर यही है। किसने बनाया भाई? मीडिया ने? अवाम बेचारे तो बेकसूर हैं। पता नहीं हम क्यों नहीं ये सोचते कि हमारा लिटरेसी रेट इंतहाई शर्मनाक है और मीडिया की आज़ादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम अपनी मर्जी दूसरों पर ठोंसें, वन साइडेड बात करें। ऑफ कोर्स। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या बना कर लाई हो? सर आपको पसंद आएगा, अब मायूस नहीं होंगे। चलो भाई देखते हैं। लेकिन फायजा तुम्हें इंतहाई चौकस रहना पड़ेगा क्योंकि ये बिलाल इंतहाई नेगेटिव अप्रोच का आदमी है। चूंकि तुम भी अब एक क्राइम का प्रोग्राम करने जा रही हो, खामखा तुम्हें अपना ख्याली दुश्मन बना लेगा। सर ये उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। साहब जी मजा आ रहा है? साहब जी मैंने मुद्दई पार्टी को बड़ा यरका के रखा हुआ है जी। पूछे क्यों? वो यूं सर कि मैंने कहा जी मुलजमों ने SHO साहब पे बड़ा प्रेशर डलवा रखा है, अगर SHO साहब को कैम रखना है ना जी तो उनको कुछ समझ गए होंगे सर जी। सर जी सर जी और क्या मुसीबत पड़ गई है यार, सब तरह दो कड़ी टाइम भी नहीं लेने देते। क्या देख लिया तूने सर जी? सर जी और देख ली रे, सब बड़े रिलैक्स मूड में। और सर जी नए ASP साहब आ गए। तो क्या हुआ, उनको भी ऊपर भेजो? पागल हो गया उल्लू का पठा कर रहा, उसको भी। ओए तो तुम मेरे खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाकर उनको रिसीव करो, उनका दफ्तर में बिठाओ, मैं तैयार हो गया था। साहब जी तो उनका क्या बनेगा? और तू ये पूछ के अब मेरा क्या बनेगा? चल चल साहब।